राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने कई दिनों से जारी मैराथन के बाद आखिरकार सीएम पद के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है और भजन लाल शर्मा को सूबे की कमान सौंपी है। इसके अलावा दिया सिंह और प्रेमचंद वेरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। भजन लाल शर्मा को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, किसने उनका नाम प्रस्तावित किया, इसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। क्या कुछ कहा सुनिए। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी।